नमस्कार, मेरे YouTube चैनल कोर ज्ञान में आपका स्वागत है। मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि यदि पुरानी से पुरानी फ़ोटो का जो नया बनाना है वो आप लोग कैसे बना सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपका 5 साल हो, 10 साल हो, 20 साल हो, 25 साल हो, मैंने ये प्रैक्टिकल देखा है। आप भी एक बार चेक कर सकते हैं। यदि विश्वास नहीं है तो आप एक बार पुरानी से पुरानी फ़ोटो ले करके जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ प्रोसेस, वो आप फॉलो करते हैं तो आपका ये पुरानी से पुरानी फ़ोटो एकदम बिल्कुल नई जैसी आपको दिखने लगेंगी। वो आपको करना क्या है, फर्स्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो आपको प्रोसेस क्या फॉलो करना होता है। कोई भी एक पुराना फ़ोटो है आपके पास, उसका फ़ोटो आप फ़ोटो क्लिक कर लें, अपने फ़ोन में रखें या लैपटॉप में या डेस्कटॉप में सेव कर लें, ताकि वो ब्राउज़ करने के लिए, अपलोड इमेज करने के लिए ऑप्शन आता है जहाँ पर आपको फ़ोटो अपलोड करना होता है। और आप खुद देख सकते हैं कि ये पूरी तरह से अलग ही दिखता है। ये फ़ोटो, पुरानी फ़ोटो आपको पूरी धुंधली या कोई भी फ़ोटो, वो आपको बिल्कुल नई फ़ोटो दिखने लगेगी, मतलब बिल्कुल नई। तो मैं आपको बताने जा रहा था ये फ्रंट प्रोसेस क्या है। तो प्रोसेस फॉलो करने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, पूरी वीडियो को जरूर देखें। फर्स्ट आपको करना क्या है कि मैंने लिखा है वेंस AI, VANCE AI। जैसे ही आप सर्च करते हैं गूगल में, ये आपका पेज ओपन होकर के आ जाता है, जो ब्राउज़र ऑप्शन आते हैं आपको क्लिक करना है। यहाँ पे ये वेंस AI पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं, देख भी सकते हैं फ्रेंड, इमेज इन्हेंसर है, ओल्ड फोटो रिस्टोरेशन है, इमेज शार्पनर है, इमेज अब स्कैनर है। तो इस तरह से ऑप्शन बहुत सारे आते हैं जहाँ पे आप इमेज के साथ बहुत सारे चीज़ इन्हेंस कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, पुराने फ़ोटो को नए जैसे बनाना है। कोई भी धुंधली फ़ोटो हो उसको भी एक तरह से क्लियरफाई हो जाता है, नए फ़ोटो बन जाते हैं। आपको करना क्या है, इस पर मैंने जो बताया है वेंस AI पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करते हैं फ्रेंड, तो आपके पास ये ऑप्शन पेज ओपन होकर के आ जाता है, जो वेबसाइट पे ओपन हो जाता है। आपको करना क्या है, स्टार्ट नाउ पे क्लिक करना है। जैसे यहाँ स्टार्ट नाउ पे क्लिक करेंगे आप, यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाता है कि आप फ़ोटो को अपलोड करें, जो आपके फ़ोन में है, लैपटॉप में है, डेस्कटॉप में है। आप पुराने फ़ोटो को अपलोड करेंगे, यहाँ से ड्रैग करके भी कर सकते हैं। जैसे ही ड्रैग करें फ़ोटो को आप अपलोड करते हैं, उसके बाद आपके पास ऑप्शन आ जाता है कि कोई भी एक ईमेल आईडी डाल करके आप साइनअप कर लें। साइनअप करने के बाद आपके पास ये ऑप्शन होकर के बना हुआ आ जाएगा, जिसमें ऑप्शन राइट साइड में बना होता है, इमेज आपके पास दिखता रहता है। आपको करना क्या है, स्टार्ट टू प्रोसेस पे करना है। स्टार्ट टू प्रोसेस पे करेंगे, जैसे ही यहाँ पे देख सकते हैं कि वो जो रिजोल्यूशन है वो 2x में, 4x में, 8x में स्टैंडर्ड है, या आप खुद से ये भी यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने बाय डिफ़ॉल्ट स्टैंडर्ड पे रहने दिया, 2x में ही रहने दिया, और स्टार्ट टू प्रोसेस पे किया है। मैंने जो फ़ोटो आपको दिखाया था फ्रेंड, वही मैंने अपलोड किया है। यहाँ पे देख सकते हैं ये प्रोसेसिंग में ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 10 सेकंड लेता है, आपके प्रोसेसिंग ले रहा है। आपने फर्स्ट प्रोसेस कर चुका है, अपलोडेड कर चुके हैं, प्रोसेसिंग में हो रहा है, तो ये आपको देख सकते हैं मोमेंट हो रहा है सर्कल। आपको जैसे प्रोसेस पे क्लिक कर सकते हैं, या आप 2-4 फोटो हैं साथ में तो आप सिलेक्ट ऑल पे क्लिक कर सकते हैं, अदरवाइज आप इस पे ही क्लिक करके आगे प्रोसेस पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही प्रोसेस करते हैं तो फ्रेंड, यहाँ पे आपका ये फ़ोटो है जो इन्हेंस हो चुका है। आपको करना क्या है, यहाँ पे डिलीट भी कर सकते हैं डायरेक्ट, या डाउनलोड भी कर सकते हैं, या एडिट भी कर सकते हैं उस फ़ोटो पे, या आप प्रीव्यू, मतलब आप देख सकते हैं कि ये फ़ोटो सही में इन्हेंस हुआ है कि नहीं हुआ है। फिर आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने जो फ़ोटो अपलोड किया था, इस तरह से पूरी तरह से ये फ़ोटो, एक धुंधली फ़ोटो, ये पूरी तरह से क्लियर हो चुके हैं। तो ये आप देख सकते हैं फ्रेंड कि आप एक भी कोई भी पुराना फ़ोटो आपके पास है, तो इस पुराने फ़ोटो को आप नए फ़ोटो की तरह से, नए कलर फ़ोटो की तरह से कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया था, फ़ोटो इन्हेंस हो सकता है, फ़ोटो को स्कैनिंग कर सकते हैं। तो आप एक तरह से इस फ़ोटो में देख भी सकते हैं, खुद से देख सकते हैं इसको कि धुंधली फ़ोटो है और ये पूरी तरह से क्लीन हो चुका है। तो आपको करना क्या है, जो मैंने बताया कि आपको सिर्फ ये वेंस AI पे ही जा कर के क्लिक करना है, और फ़ोटो इन्हेंस पे इन्हेंसर जो है अपलोड करने वाला ऑप्शन, यहाँ स्टार्ट नाउ पे क्लिक करके आपको ड्रैग करना है, फ़ोटो को अपलोड करना है, और अपने ईमेल आईडी से लॉगिन करके फ़ोटो को स्टार्ट टू प्रोसेस पे करना है। फ़ोटो प्रोसेसिंग होगा और ये फ़ोटो आप ऑप्शन आता है कि एडिट कर सकते हैं, व्यू देख सकते हैं, या डिलीट भी कर सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं, और ये लास्ट में आपको दिखेगा ये फ़ोटो इन्हेंस्ड हो चुका है। जैसे आप प्रीव्यू पे क्लिक कर सकते हैं करेंगे, तो मैंने प्रीव्यू पे क्लिक किया था तो फ़ोटो आपने मुझे ऐसा दिखा। तो फ्रेंड ये है आपका बिफ़ोर और आफ्टर, दिखता भी रहेगा कि आपने बिफ़ोर में कैसा अपलोड किया था फ़ोटो, और आफ्टर में जो इन्हेंस होकर के आया। तो फ्रेंड ये हमारा वीडियो कैसा लगा आपको, प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, कमेंट तो जरूर करें फ्रेंड, और इस तरह के वीडियो फैमिली फ्रेंड में जरूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू फ्रेंड।